हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HG के न्यूज नॉलेज में। भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के कोल्हापुर, रायगढ़, रत्नागिरी, पालघर, ठाणे और नागपुर में कुछ हिस्सों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बारिश के चलते कुछ हिस्सों में 41 लोगों की जान जा चुकी है। रायगढ़ के तलई गांव में भारी बारिश की वजह से पहाड़ का मलबा गिर पड़ा है, इसके नीचे 35 घर दब गए हैं। इस हादसे में 35 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, 70 से ज्यादा लोग लापता हैं। स्थानीय लोगों के साथ NDRF की टीम भी मौके पर बचाव कार्य से जुड़ी हुई है। अभी तक 32 शवों को बाहर निकाल लिया गया है। भारी बारिश के कारण राहत कार्य में यहाँ भारी दिक्कत आ रही है। शुक्रवार को मुंबई से सटे गोवंडी में एक इमारत के गिरने से 4 लोग गंवा चुके हैं। सभी मृतक एक ही परिवार से हैं। हादसे में 6 जख्मी हुए हैं। घायलों को मुंबई के राजवंडी आमर सायन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। बरसाती नदियों का पानी शहरों, कस्बों और गाँवों में घुस चुका है और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए कोंकण, मुंबई और इसके आसपास के जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। ठाणे और पालघर में भारी बारिश के कारण लो लाइन इलाके 24 घंटे से पानी से डूबे गए हैं और कोंकण डिवीजन में अभी तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 8 लोगों ने अपनी गवा चुके हैं। करीब 700 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जा चुका है। रायगढ़ में 4 जगह भूस्खलन होने से लोग फंसे हुए हैं और 25 लोगों को निकाल लिया गया है। 20 अभी भी फंसे हुए हैं। तलाई गाँव में कनेक्ट करने वाली सड़क पानी से बह गई है और इस कारण गांव के अंदर लोग फंसे हुए हैं। कोल्हापुर में चिखली में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए NDRF की टीम मौके पर पहुंच गई है। रत्नागिरी जिले में जगबूढ़ी नदी खतरे के निशान से 2 मीटर और वरिष्ठ नदी खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है। कदली, कोडावली, शास्त्री और बावंडी नदियों के ने भी खतरे के निशान को पार कर लिया है। कुंडलिका, अंबा और सावत्री, पातलगंगा, गढ़ी और उल्लास नदियों भी चेतावनी के स्तर से बाहर निकल चुकी हैं। बारिश से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल HG के न्यूज नॉलेज के साथ।